मंच पर विराजमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री और झारखंड के मेरे प्यारे भाई और बहनों, झारखंड रांची कर माटी के सब भाई बहन मन के मोर बट बहुत बहुत जोहार। आप सभी को, पूरे देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस प्रभात तारा मैदान से सभी देशवासियों को सुप्रभातम। और आज ये प्रभात तारा मैदान विश्व के नक्शे पर जरूर चमक रहा है, ये गौरव आज झारखंड को मिला है। आज देश और दुनिया के अनेक हिस्सों में लाखों लोग योग दिवस मनाने के लिए अलग अलग जगह पर जमा है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। योग के दुनिया भर में प्रसार में मीडिया के हमारे साथी, सोशल मीडिया से जुड़े लोग जिस तरह की अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, झारखंड में योग दिवस के लिए आना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। आप लोग बहुत सुबह ही अपने घरों से निकलकर दूर दूर से यहां आए हैं, मैं आप सभी का आभारी हूं। बहुत से लोगों के मन में आज ये सवाल है कि मैं पांचवा योग दिवस मनाने के लिए आज आपके साथ योग करने के लिए रांची ही क्यों आया। भाई और बहनों, रांची से मेरा लगाव तो है ही, लेकिन आज मेरे लिए रांची आने की तीन और बड़ी वजह हैं। पहला, जैसा कि झारखंड के नाम में ही ये वन प्रदेश है, प्रकृति के बहुत करीब है और योग और प्रकृति का तालमेल इंसान को एक अलग ही एहसास कराता है। दूसरी बड़ी वजह यहां आने की ये थी कि रांची और स्वास्थ्य का रिश्ता अब इतिहास में दर्ज है। पिछले साल 23 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती निमित्त यहां रांची से ही हमने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। भारतीयों को आयुष्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं। इसलिए भी आज रांची आना मेरे लिए विशेष है। भाई और बहनों, अब योग के अभियान को मुझे और हम सबको मिलकर के एक अलग स्तर पर ले जाना है और यही रांची आने की मेरी तीसरी और सबसे बड़ी वजह वो भी है। साथियों, योग हमारे देश में हमेशा से रहा, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहां झारखंड में भी जो छऊ नृत्य होता है उसमें आसनों और मुद्राओं को व्यक्त किया जाता है,
लेकिन ये भी सच है कि आधुनिक योग की जो यात्रा है वो देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचल में अभी उस तरह नहीं पहुंची है जैसी पहुंचनी चाहिए थी। अब मुझे और हम सबको मिलकर के आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ, जंगलों की तरफ, दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है, गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है। मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये गरीब ही है जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है, ये बीमारी है जो गरीब को और गरीब बना देती है। इसलिए ऐसे समय में जब देश में गरीबी कम होने की रफ्तार बढ़ी है, योग उन लोगों के भी एक बड़ा माध्यम है जो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। उनके जीवन में योग की स्थापना का मतलब है उन्हें बीमारी और गरीबी के चंगुल से बचाना। साथियों, सिर्फ सुविधाओं से जीवन आसान बनाना काफी नहीं है, दवाइयां और सर्जरी का ही समाधान पर्याप्त नहीं है। आज के बदलते हुए समय में इलनेस से बचाव के साथ साथ वेलनेस पर हमारा अधिक फोकस होना जरूरी है। यही शक्ति हमें योग से मिलती है, यही भावना योग की है, पुरातन भारतीय दर्शन की भी है। योग सिर्फ तभी नहीं होता जब हम आधा घंटा जमीन या मेट पर या दरी पर होते हैं। योग अनुशासन है, समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी, गरीबी, प्रांत, सरहद के भेद, सीमा के भेद, इन सब से परे है। योग सबका है और सब योग के हैं। साथियों, बीते 5 वर्षों में योग को हेल्थ और वेलनेस के साथ जोड़कर हमारी सरकार ने इसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मजबूत स्तंभ बनाने का प्रयास किया है। आज हम ये कह सकते हैं कि भारत में योग के प्रति जागरूकता हर कोने तक, हर वर्ग तक पहुंची है। ड्राइंग रूम से बोर्ड रूम तक, शहरों के पार्क से लेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक, गली कुंचों से वेलनेस सेंटर तक, आज चारों तरफ योग को अनुभव किया जा सकता है। भाइयों और बहनों, तब मुझे और संतोष मिलता है जब मैं देखता हूं कि युवा पीढ़ी हमारी इस पुरातन पद्धति को आधुनिकता के साथ जोड़ रही है, प्रचारित और प्रसारित कर रही है। युवाओं के इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया से योग पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गया है, जीवंत हो गया है। साथियों, आज के इस अवसर पर
Prime Minister's Award for Promotion and Development of Yoga, उसकी घोषणा की गई, हमारे मंत्री श्री ने की, एक जूरी ने इसको निर्णय किया है, और पूरी दुनिया में बड़ी मशक्कत करके इन लोगों को खोजा गया है। जिन साथियों को ये पुरस्कार मिला है, मैं उनकी तपस्या और योग के प्रति उनके समर्पण की सराहना करता हूं। साथियों, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है योगा फॉर हार्ट केयर। हार्ट केयर आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन चुका है। भारत में तो बीते दो ढाई दशकों में हार्ट से जुड़ी बीमारियों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। दुखद बात यह है कि बहुत ही कम उम्र के युवाओं में भी हार्ट की समस्या अब बढ़ रही है। ऐसे में हार्ट केयर अवेयरनेस के साथ साथ योग को भी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का अहम हिस्सा बनाना जरूरी है। मैं यहां के स्थानीय योग आश्रमों से भी आग्रह करूंगा कि योग के प्रसार में और आगे बढ़ें। चाहे देवघर का रिखियापीठ योग आश्रम हो, रांची का योगदा सत्संग सखा मठ या अन्य संस्थान, वो भी इस वर्ष हार्ट केयर अवेयरनेस को थीम बनाकर आयोजन करें। और साथियों, जब उत्तम स्वास्थ्य होता है तो जीवन की नई ऊंचाइयों को पाने का एक जज्बा भी होता है। थके हुए शरीर से, टूटे हुए मन से न सपने सजाए जा सकते हैं, न अरमानों को साकार किया जा सकता है। जब हम उत्तम स्वास्थ्य की बात करते हैं, कुछ बातें हैं, पानी, पोषण, पर्यावरण, परिश्रम, ये चार चीजें। पीने का शुद्ध पानी मिले, आवश्यकता के अनुसार पोषण प्राप्त हो, पर्यावरण स्वच्छता, वायु पर्यावरण हो, कुछ भी पानी का हो, कुछ भी, और परिश्रम जीवन का हिस्सा हो, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये पांच चार परिणाम देते हैं। फ्रेंड्स, आई थैंक पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर ज्वाइनिंग द योगा डे सेलिब्रेशंस। वर्ल्ड ओवर द फर्स्ट रेज ऑफ द सन आर बीइंग वेलकम बाय डेडिकेटेड योगा प्रैक्टिशनर्स इज ए ब्यूटिफुल साइट। I urge you all to embrace yoga and make it an integral part of your daily routine. Yoga is ancient and modern. It is constant and evolving. For centuries, the essence of yoga has remained the same. Healthy body, stable mind, spirit of oneness, yoga provides a perfect blend of jnana or knowledge, karma or work, and bhakti or devotion. Yoga will make every individual better
in thoughts, action and spirit. Friends, the importance of practicing yoga is greater than perhaps ever before. We live in a time when disease related to lifestyle and stress are increasing. This comes with the fast routines and pressures at the workplace. It pains me to read about bright young men and women being affected by substance abuse, alcoholism, diabetes, and such other evils. Yoga offers a solution to these problems. Yoga also furthers unity among people and in our society. This can heal several challenges that our world faces. Friends, peace, harmony have always been associated with yoga. On the occasion of the 5th International Yoga Day, let our motto be Yoga for Peace, Harmony and Progress. Shanti, Sadbhav aur Samriddhi ke liye Yog. Bhaiyo aur bahano, Antarrashtriya Yog Divas ki shuruaat ke baad humne anek prabhavi kadam uthaye hain jinka laabh bhi dekhne ko mil raha hai. Bhavishya ko dekhte hue hame yog ko har vyakti ke jeevan ka hissa banane ke liye, swabhav banane ke liye nirantar kaam karna hai. Iske liye yog se jude sadhakon, shikshakon aur sanghathanon ki bhumika badhne wali hai. Yog ke karodon logon ke jeevan ka hissa banane ke liye manpower ko taiyar karna bhi, human resource development bhi bahut zaruri hai. Ye tabhi sambhav hai jab hum yog se jude standards aur institutions ko viksit ho. Aur isliye hamari sarkar isi soch ke sath aage badh rahi hai. Sathiyon, aaj hamare yog ko duniya apna rahi hai, to hame yog se judi research par bhi zor dena hoga. Jaise hamare phone ka software lagatar update hota rehta hai, waise hi hame yog ke bare mein jankari duniya ko dete rehna hai. Iske liye zaruri hai ki hum yog ko kisi daire ko bandh kar na rakhe. Yog ko medical, physiotherapy, artificial intelligence inse bhi jodna hoga. Itna hi nahi, hame yog se judi private enterprise spirit ko bhi protsahit karna padega, tabhi hum yog ka vistar kar payenge. Hamari sarkar in avashyaktaon ko samajhte hue anek kshetron mein kaam kar rahi hai. Main aapko अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं. और मैं आशा करूंगा कि आप सभी यहां जितने योगा के प्रयोग हम करने वाले हैं, ज्यादा न करें इतना ही, लेकिन लगातार उसके ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं, आप देखना अद्भुत लाभ अपने जीवन में होगा. मैं फिर से एक बार आपको उत्तम स्वास्थ्य के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. आइए अब हम योगाभ्यास शुरू करते हैं. मैं झारखंड सरकार का भी बधाई देता हूं कि बहुत ही कम समय में
इतना बड़ा उन्होंने आयोजन किया। पहले से उनको भी पता नहीं था, दो सप्ताह पहले ही नई सरकार बनने के बाद रांची में इतना बड़ा कार्यक्रम करने का विचार आया, लेकिन इतने कम समय में झारखंड वासियों ने जो कमाल करके दिखाई है, मैं आपको सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।